तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलरकर पहुंचे। उनके आगमन के बाद तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल के कुलाधिपति का अंगवस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद हवन कार्यक्रम के साथ मारवाड़ी कॉलेज के महिला विंग के एक नए भवन का लोकार्पण किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में योग और फिजियोथेरेपी सेंटर के नए भवन का शिलान्यास, 4 करोड़ की लागत से बने नव निर्मित खेलो इंडिया के अंतर्गत तैयार इंडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। कुलाधिपति ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के कई मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही उन्होंने बिहार को खेल में बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल बताया है। इस मौके पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल, डीएम, एसपी सहित कई राजनीतिक दल के लोग और विश्वविद्यालय कर्मी, प्रोफेसर समेत दर्जनों की संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। वहाँ के अपने खेल मंत्री जो होते हैं इनको एक पूरा दायित्व दिया गया है और इसको नाम दिया गया है खेलो इंडिया। केवल खेलो दिल्ली नहीं, खेलो विभाग नहीं, खेलो विश्वविद्यालय नहीं, पूरा देश खेलेगा, ऐसी एक इच्छा लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच को वास्तव में लाने का प्रयास शुरू कर दिया है और उसी को आज हम उसके फल सब जगह देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसी साधन सुविधाओं खेल के लिए निर्माण करना प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता रखी है और ऐसी प्राथमिकता लेकर सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के मार्फत और खेलो इंडिया के मार्फत निर्देश दिए गए हैं कि आपको आपके परिसर में खेल के लिए कुछ न कुछ सुविधा निर्माण करने की आवश्यकता है, जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के आने की संभावना है। इसको लेकर नगर निगम के द्वारा कवायद तेज कर दी गई है। भागलपुर में कई जगह कूड़ा को एकत्रित करने के लिए स्टेशन जोन बनाया गया है, लेकिन मुसहरी घाट के पास जो स्टेशन जोन बनाया गया है वहां पर पिछले कई महीनों से बिजली में खराबी आने की वजह से कूड़ा का विनिष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया है। इतना ही नहीं, मुसहरी घाट के पास जो स्टेशन जोन बनाया गया है वह गंगा नदी से सटा हुआ है, जिसके कारण कूड़ा गंगा नदी में भी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने नगर निगम प्रशासक पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। संजय सिन्हा ने कह दिया है कि नगर निगम का घोर लापरवाही है। नगर निगम की लापरवाही के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं नगर निगम वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता ने भी बड़ा आरोप लगाया है। पंकज गुप्ता का कहना है कि हमारे वार्ड में भी कूड़ा स्टेशन जोन बनाया गया है जो कि घनी आबादी के बीचों बीच है। शहर जो है स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी का गठन होने के बाद शहर को जितना स्मार्ट होना चाहिए वह दिखाई नहीं पड़ता और स्मार्ट सिटी का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। आप जाके देखिए मुसहरी घाट के पास जो ट्रांसफर स्टेशन बना है उसमें आज 2 महीने से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और नगर निगम सुस्त पड़ा हुआ है। उसका सारा कूड़ा और कचरा सब गंगा में समाहित हो रहा है और गंगा ऐसे पवित्र को भी भागलपुर नगर निगम का कूड़ा दूषित कर रहा है। दक्षिणी क्षेत्र में एकमात्र ट्रांसफर स्टेशन है गोबरगंज, जो हमारे वार्ड संख्या 50 में आता है। ये दुर्भाग्य है हमारे वार्ड का कि हमारे यहाँ वार्ड में ट्रांसफर स्टेशन है। दुर्भाग्य इस नजरिया से है कि बीच घनी आबादी क्षेत्र में ट्रांसफर स्टेशन बना है और लोग वहाँ दुर्गंध से पीड़ित हैं, बीमारियों का अंबार वार्ड संख्या 50 में अब लग रहा है। इस दिवाली और धनतेरस पायल ज्वेलर्स लाया है धमाकेदार ऑफर्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ डायमंड की वाइड रेंज शुरू होती है सिर्फ 5000 रुपीज से एंड गोल्ड प्रोडक्ट स्टार्टिंग एट 8% मेकिंग चार्ज। सिल्वर के पूजा यूटेंसिल्स, गणेश जी, लक्ष्मी जी और दूसरे आइडल्स भी अवेलेबल हैं। पायल ज्वेलर्स, आपका ट्रस्टेड ज्वेलर। इस दिवाली और धनतेरस आज ही विजिट करें। महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र आलेरकर जी के भागलपुर आगमन पर एक कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल सब और भागलपुर को महामहिम के स्वागत कार्यक्रम के संचालन की महती जिम्मेवारी हेतु चयन किया गया था।
विद्यालय के निदेशक श्री संजय कुमार पासवान के नेतृत्व में तथा वरिष्ठ शिक्षिका निधि झा की देखरेख में बच्चों की तीन टीम यथा नृत्य स्कूल बैंड एवं दीक्षा ब्रिगेड के द्वारा महामहिम राज्यपाल का मनमोहक अंदाज में स्वागत किया गया, जिसकी उन्होंने सराहना की। मंच पर विशेष रूप से विद्यालय निदेशक श्री संजय कुमार पासवान ने महामहिम को यादगार स्मृति स्वरूप मोमेंटो और अंगवस्त्र समर्पित किया। इस कार्यक्रम में दीक्षा इंटरनेशनल की चारों शाखाओं के प्राचार्य शिक्षक शिक्षिकाएं तथा अभिभावक गण मौजूद थे। सेंट पॉल स्कूल नाथनगर में बाल दिवस के अवसर पर वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु वंदना से हुई। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र व शिक्षकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर वेजल माइकल क्वाड्रोस ने धन्यवाद ज्ञापन कर दिया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर भागलपुर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर के प्रसूति शिशु रोग विशेषज्ञ सह जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपने क्लिनिक में इलाज कराने आए बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री एवं खिलौने को वितरित किया एवं कहा कि आज के समय में सभी लोग ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, कुछ ऐसे दिवस भी हैं जिसको बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। इसको लेकर आज हमने जो बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया एवं डॉक्टर अजय सिंह ने सभी शहरवासियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं भी दी। बाल दिवस पर सभी बच्चों को और उनके माता पिता को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चे ही देश को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए बच्चों में पढ़ाई के साथ आप उसके शारीरिक विकास को भी ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है। साथ में ही अच्छे नागरिक के गुण उनमें दीजिए। जो प्राचीन सभ्यता भारत की थी, ईमानदारी और मेहनत, यह एक कसौटी थी, आज वह छीन दिखता है और लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं, जबकि हम लोगों को सांसारिक कार्यों के अलावे हम लोगों को मानसिक सुख भी चाहिए होता है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।